दोस्तों अजीम मुल्क पाकिस्तान को आर्यन बिरादर चीन से J-10 लड़ाका तैयारा हासिल हुए और जिस वक्त J-10 लड़ाका तैयारा पाकिस्तान में उतरे हिंदुस्तानियों के पसीने छूटने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल लेट फर्स्ट में। इस वीडियो से मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता, सिंपली इस वीडियो से मैं दी गई गलत इन्फॉर्मेशन का जवाब देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान को हाल ही में चाइना से J-10C फाइटर जेट मिला है जो एक पावरफुल फाइटर जेट है, पर Su-30 MQI और राफेल फाइटर जेट से तो अभी भी काफ़ी पीछे है। इस बंदे का कहना है कि जैसे ही पाकिस्तान को J-10 फाइटर जेट मिले भारत के पसीने छूटने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया फाइटर जेट नहीं है, इसे हमारा दुश्मन चीन पहले से ही ऑपरेट कर रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स को पता है कि इस फाइटर जेट को कैसे धूल चटानी है। दूसरी तरफ बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स के पास J-10 से भी ज़्यादा पावरफुल J-11, J-16 और J-20 जैसे फाइटर जेट है। इन फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स जब धूल चटा सकती है जब हमारा Su-30 MQI लद्दाख में चाइना के स्टेल्थी 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 को रिडार पर लॉक कर सकता है, तो J-10 तो इंडियन एयरफोर्स के सामने ना के बराबर है। दोस्तों राफेल लड़ाका तैयारा के आने के बाद से आग दिखाता भारत अब छुपने की जगह तलाश कर रहा है। राफेल आने से पहले भारत पाकिस्तान को आग दिखाता था, राफेल आने के बाद भी और अभी तो कई फाइटर जेट बाकी है। जैसे Tejas MK2 जल्दी आपका सरदर्द बढ़ाने आएगा, एम का तो आपकी पहुंच से ही बाहर है, अगर आप इसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा होगा। दोस्तों वो कहते हैं कि उनके तेजस का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो J-10C के पास उसका इलाज है। J-10C में IRST सेंसर है, इसे चीन ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है जो कि हिंदुस्तान से बहुत आगे है, और ये तेजस को इतना ही साफ देखेगा जितना साफ हम अपने झंडे पर चांद देखते हैं। तो तेजुलाल उर्फ समोसा स्वामी अब बचकर भाग नहीं पाएगा। राफेल लड़ाका तैयारा तो टेक ऑफ के फौरन बाद ही नजर आ जाएगा। बाकी बात करें Sukhoi-30 की तो मैं उसके क्रॉस सेक्शन को खुद ही महसूस करके उसकी जगह बता सकता हूँ। हमारे पायलट तो J-10C को छू कर ही Sukhoi-30 का मकाम जान सकते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिले J-10CE फाइटर जेट में IRST सेंसर लगा है। इनका मानना है इसी IRST सेंसर से यह तेजस जैसे कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले फाइटर जेट को भी ट्रैक कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MQI में भी IRST सेंसर लगा है, MiG-29 UPG में भी IRST सेंसर लगा है और राफेल में तो स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये सब फाइटर जेट भी उतनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के JF-17 और J-10C को देख सकते हैं जितनी अच्छी तरीके से दुनिया पाकिस्तान में गरीबी देख रही है। और अगर सच में ही आप में फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन बता देने की आंतरिक शक्ति है तो क्यों चाइना से फाइटर जेट खरीद रहे हो? ये सब सिर्फ फेंकने की बातें होती हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।